मैं आज बनाने जा रही हूँ गोभी की सब्जी। मैंने ली है लहसुन, 4 घंटी प्याज और 2 टमाटर, 4 आलू और लाल मिर्च है, हल्दी है और धनिया है और जीरा है और मिर्च है, हरी मिर्च। और मैं काटने जा रही हूँ 2 टमाटर और प्याज इस मशीन में। देखो मैंने प्याज काट लिया है मशीन से और टमाटर का पेस्ट कर लिया है। ये आलू है मैं काटूंगी नहीं, इसे कुचल के बनाऊंगी नई रेसिपी के लिए। देखो मैंने सिल से ये आलू काट वो कुचल लिए हैं, जो आपके यहाँ पर सुविधा हो उसी से आलू दबा लें। और ये मसाला लें और गोभी है, प्याज है, टमाटर का पेस्ट है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी छौंकने के लिए। एक कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, अभी थोड़ा जे गरम हो जाए तब इसमें मसाला डालेंगे, ऐड करेंगे। मेरा तेल गरम हो चुका है, इसमें जीरा और राई डाल दी है और पक जाए फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे, जो प्याज चीरी हुई थी वो। ये थोड़ा थोड़ा नेक लाल लाल हो जाए तब तक चलाएंगे, प्याज और मिर्ची नेक बन जाए तब तक चलाएंगे। देखो लाल लाल हो गई है प्याज, मसाला ऐड करेंगे। इसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची इसमें डाल देंगे, इसे मिलाएंगे। देखो ये भुज गया है, प्याज भी है तो टमाटर का पेस्ट है इसमें डाल देंगे, इसे भी भूनने के थोड़ा लाल सा हो जाए तब तक भूनेंगे टमाटर भी। खूब भून जाएंगे जब तक इसमें लाल तेल अलग से छूटना ना लगे। ये थोड़ा वैसा हो गया है, इसमें हल्का सा टेस्ट के अनुसार नमक डालना है, जो आप लोग जैसा खाते हो। देखो हल्का हल्का तेल सा लगने लगा है, प्याज टमाटर भुज गए हैं। इसमें टमाटर तो कलर भी नहीं आ रहा कि है भी है या नहीं है, खूब डार्क हो गया है। देखो हो गया है, आलू डालेंगे इसमें और क्या नाम कुचले हुए आलू पहले डालेंगे फिर गोभी डालेंगे, इसे मिला देंगे आलू के साथ। आलू मिला दिए हैं और हल्का सा पानी डाल देंगे और ढक देंगे, बाद में गोभी बनाएंगे क्योंकि वो घुट जाती है, बेकार लगने लगती है, फिर पता भी नहीं चलती है। थोड़ा थोड़ा सा आलू बन जाएगा फिर उसमें गोभी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसमें होगा 1 चम्मच भर थोड़ा सा किया है और इतने में आलू बन जाएंगे आपके। ढक के रख देते हैं 2 मिनट के लिए, तब तक आलू बन जाएंगे आपके। लगभग में 2 मिनट हो चुके हैं, फिर सब्जी को देख लेंगे खोल के कि कैसा हुआ कैसा नहीं। टेस्टी हो गए हैं, आलू बनने वाले हैं और 1 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक आलू बन जाएंगे। थोड़े थोड़े नेक्स्ट टाइट पन पे रहें तभी, तब तक रहेंगे क्योंकि अभी गोभी भी डालनी है। थोड़े थोड़े रेसिपी हो जाएंगे फिर डालेंगे गोभी, अभी थोड़े ज़्यादा टाइट हैं। देखो 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और आलू थोड़ा थोड़ा हल्का सा है, इसमें अब गोभी डाल देंगे। से मिला देंगे गोभी को और हल्के से थोड़े आलू हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और गोभी भी हो जाएगी सॉफ्ट। थोड़ा हम नमक मिलाएंगे क्योंकि मैंने पहले बहुत थोड़ा डाला था, इस वजह से, क्योंकि गोभी में हल्का हो जाता है इस वजह से अभी थोड़ा डालेंगे। इसे खट्टा करके
और ढक देंगे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रख देना, थोड़ी स्लो आंच में रखना। मेरा तो अभी हीटर चल रहा है ना, तो इस वजह से मैं बंद कर देती हूँ। आप गैस को थोड़ी लो में कहीं करना बस, और मैं ढक दे रही हूँ। 2 मिनट हो चुकी है, 1 मिनट, और ये देखो गोभी बनने के लिए रेडी हो गई है। गोभी भी बन गया है, आलू भी बन गया है। इसमें ऊपर अब हम निकालेंगे किसी पैन में। देखो रेडी हो गई है सब्जी मेरी, और किसी पैन में निकाल लेंगे इसे। देखो मेरी सब्जी रेडी। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट शेयर कीजिए, और लाइक करिए जी, और सब्सक्राइब करिए जी। ओके बाय।